वेलकम टू एस डी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। मैं हूँ MBDB मरीन फिश स्टोर में जो है मुंबई में। और पिछले बार 2 महीने पहले हमने काफ़ी सारे फिशेस की वैरायटीज कवर की थी। ये जो टैंक्स है ये मरीन फिशेस से भरे हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये मरीन फिश स्टोर जो है मुंबई में गोरेगांव में लोकेटेड है। इस बार भी काफ़ी सारा फिश स्टॉक था बट मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए अभी जो है कुछ स्टॉक है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और हमारे साथ है MBDB मरीन फिश स्टोर के ओनर मिस्टर मिथिलेश। हेलो मिथिलेश भाई। हेलो। तो भाई इस बार मुझे देरी हुई आपके पास आने के लिए, तो कुछ स्टॉक आपका चला गया है बट अभी भी फिलहाल कुछ स्टॉक है आपके पास। और मरीन फिश कवर करना हमेशा एक प्लेजर होता है और हमेशा खुशी होती है मरीन फिश कवर करना। तो ये जो स्टॉक है वो कवर करेंगे, तो कितना स्टॉक है अभी फिलहाल आपके पास? अभी हम लोग के पास येलो टैंग है, पर्पल टैंग है, सोहल टैंग एंड हाइब्रिड टमाटो क्लाउन है। ओके। उसके बाद टू फिन डैम्सल्स है, 2 पीसेस। ओके। थ्री स्ट्रेट डैम्सल्स अवेलेबल है। ओके। एंड मिथिलेश भाई, प्रीवियस वीडियोस के ऊपर हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे व्यूवर्स से, और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि हमें मरीन फिश पसंद है पर उसका सेटअप कैसा रखते हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो हमारे व्यूवर्स को हम बता दें कि आप सेटअप्स भी करते हो, राइट? राइट। तो इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे तो कम्प्लीटली वो वीडियो जो है मरीन के सेटअप्स, जो सम टैंक होती है उसके बारे में हम बनाएंगे और व्यूवर्स को बताएंगे कि ये सम टैंक कैसा होता है, मरीन सेटअप कैसा होता है उसके बारे में। तो आई रिक्वेस्ट द व्यूवर्स कि इसके बाद के वीडियो में भी आप बने रहे, तो वो वीडियो जो है कम्प्लीटली सेटअप के बारे में बताएंगे, राइट मिथिलेश भाई? तो ये वीडियो में हम फिशेस कवर करेंगे आपके। तो सबसे पहले हम जो है ये फिशेस के ऊपर बढ़ेंगे। सबसे पहली एट्रैक्टिव फिश वैरायटी हम कवर कर रहे हैं, तो मिथिलेश भाई क्या नाम है इस वैरायटी का? दिस वन इज सोहल टैंग। सोहल टैंग, हाँ। ओके। और कितनी साइज है इसकी? दिस वन इज अराउंड 4-5 इंचेस पकड़ लो। 5 इंचेस। ओके। तो अगर बात करें किसके साथ इसको रख सकते हैं अबाउट द टैंक मेट्स, तो क्या बोलना चाहिए आप? यू कैन कीप विद एनीवन, सबके साथ रहता है, कोई इशू नहीं है इसका। टैंक वैरायटी और रीफ देख रहे हैं तो रीफ में भी आप रख सकते हैं इसको। ओके। और कितना साइज पकड़ लेता है ये? इट विल ग्रो टिल लाइक 10-12 इंचेस। ओके। और भी बड़ा होएगा, कैप्टिविटी में तो ग्रोथ इज स्लो। ओके। हाँ। एंड यू हैव प्रोवाइडेड अ ह्यूज टैंक इनको, तो कितनी स्पेशियस टैंक है? बहुत स्पेशियस टैंक ही है ये टैंक। 5 फीट लेंथ है एंड ब्रेथ इज 2 फीट। ओके। एंड हाइट इज 18 इंचेस। तो इनको जो है आपके हिसाब से कितनी टैंक प्रोवाइड करनी चाहिए हमको? दिस टाइप ऑफ टैंक वैरायटीज है तो इट शुड बी 5 फीट और 6 फीट के टैंक विल बी बेटर फॉर देम। ओके। छोटे टैंक में दे विल बी स्ट्रेस्ड आउट। ओके। मेन बात पे आते हैं इसकी प्राइस, तो क्या आप बताना चाहेंगे प्राइस इसके बाद? सोहल टैंक का प्राइस दिस वन इट विल कॉस्ट यू 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। ओके। और भाई पिछले वीडियो उसके ऊपर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप डिलीवरी भी करते हो क्या ऑल ओवर इंडिया? हाँ, ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं बट इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। ओके। एक दो फिश ऑर्डर करेंगे तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, राइट? तो भाई बहुत सारे जो सेलर्स का एक मिनिमम डिलीवरी अमाउंट होता है, तो आपके केस में ऐसा कुछ है? नहीं, अमाउंट नहीं है, डिपेंड लाइक 8-10 फिशेज होना चाहिए। ओके। तो आई कैन डिलीवर एक बॉक्स में 8-10 फिशेज होनी चाहिए। ओके। एंड यू कैन डिलीवर ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, यस। ओके। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो अवेलेबल, राइट? मोस्टली आई प्रेफर लाइक बाय फ्लाइट इज बेटर। ओके। जैसे अभी ये साउथ भेजना है या तो दिल्ली साइड भेजना, नॉर्थ साइड, जी जी जी, फ्लाइट इज बेटर अकॉर्डिंग टू मी। ओके। सो हियर इज द नेक्स्ट फिश व्हिच इज माय मोस्ट फेवरेट फिश एंड दैट इज व्हाई इट इज फीचर्ड ऑन द चैनल लोगो। तो मिथिलेश भाई काफ़ी लोगों की भी ये फेवरेट फिश होती है, क्या नाम है इसका? दिस वन इज हाइब्रिड टमाटो क्लाउन। ओके। एंड हमने जो है क्लाउन के काफ़ी सारे वैरायटीज कवर किए थे इसके पहले वीडियो में, राइट? ये वाली जो हाइब्रिड टोमेटो क्लाउन है, इसकी साइज छोटी है, क्या साइज है इसकी अभी? दिस वन इज अराउंड 2 इंचेस। 2 इंचेस। और इसके फिश टैंक मेट्स कैसे होते हैं मिथिलेश भाई? यू कैन कीप दिस विद ऑल द फिश, कोई इशू नहीं है, बट टमाटो साथ में रखेंगे तो इशू आ जाएगा, लोग झगड़ते हैं थोड़ा। ओके। हाँ। क्या प्राइस है इसकी? 3,500। ओके। नेक्स्ट फिश है यहाँ पे इसके साइड में, ये ब्लू प्रिंट डैम्सल। ओके। एंड ये क्या प्राइस में आएगी? ब्लू प्रिंट डैम्सल आपको आ जाएगी 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ में। हाँ हाँ।
नेक्स्ट वैरायटी हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वैरायटी है और इसका कलर आप देख सकते हो काफ़ी प्लीजिंग है। तो मिथिलेश भाई कौन सी वैरायटी है ये? दिस वन इज पर्पल टैंग। पर्पल टैंग, हाँ ओके, क्योंकि इसका कलर पर्पल होता है, राइट, एंड टेल इज येलो कलर, ओके। और अगर लाइट्स की बात करें, अगर लाइट्स यूज करें हम ब्राइट, तो ये कलर और भी ब्राइट दिखेगा, और भी ब्राइट दिखेगा, राइट। तो भाई इसकी बात करें तो किसके साथ इसको रखते हैं और कैसे रखा जाता है इसको? दिस फिश इज कंपैटिबल विद ऑल द फिशेस, ऑल द स्पीशीज, तो कोई इशू नहीं है, ओके। तो और यू कैन कीप इट ऑल द फिशेस एंड रीफ टैंक में भी आप रख सकते हैं, इट्स अ रीफ लिप फिश। एंड क्या प्राइस है इसकी? 7,000 रुपीज, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे और एक क्लाउन फिश है, ये वही वैरायटी है जो हमने पहले कवर की। हाँ सेम, ये हाइब्रिड टमाटो क्लाउन है, हाइब्रिड टमाटो क्लाउन, टमाटो क्लाउन, ये थोड़ा ऑरेंजिश है ज़्यादा, ओके। हमने जो पहले किया था रेडिश ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज था, ओके। तो वैसे कलर पैटर्न्स होते हैं इनमें? हाँ पैटर्न्स अलग अलग रहते हैं किसी किसी, ओके। क्या प्राइस है इसकी? सेम प्राइस, सेम प्राइस, 3,500, ओके। तो ये पर्पल टैंग है और ठीक इसके नीचे भी और एक पर्पल टैंग है जी। इसका कलर भाई देख रहा हूँ कि काफ़ी काफ़ी आई अट्रैक्टिव है, बहुत अलग है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है इसका। ठीक यहाँ पे और एक पर्पल टैंग है, ऊपर भी, ऊपर भी है, ओके। भाई एक अगर फिश फूड की बात करें तो क्या डिपेंड करता है ये कलर कम ज़्यादा हो, फेड हो, फिश फूड अगर अच्छा नहीं दिया तो या अच्छा दिया तो? ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली या आई एम फीडिंग लाइक भिखारी का फूड, भिखारी सी वीड एंड ऑल, ओके। एल्गीज भी लोग ज़्यादा खाते हैं, अच्छा, तो रॉक्स पे भी जो एल्गीज रहते हैं तो नेचुरली आते हैं, दे लाइक टू ईट दैट, ओके। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट टैंक, इसके अंदर तीन वैरायटीज़ है। सबसे पहले भाई ये वाली वैरायटी हम कवर करते हैं, आई अट्रैक्टिव वैरायटी, क्या नाम है इसका? दिस वन इज येलो टैंक, येलो टैंक, हाँ। और क्या साइज है इस येलो टैंक की? दिस वन इज 2.5 इंचेस, ओके, 2.5 to 3 इंचेस के बीच की साइज है, एंड इट्स मीडियम साइज एंड इट्स रीफ कंपैटिबल फिशेज, एंड जो भी अच्छे मरीन जो रखते हैं सबके टैंक में आपको मिलेगी ये येलो टैंक, ओके। सो वी कैन कीप इट इन रीफ एक्वेरियम एज वेल एज नॉर्मल एक्वेरियम, मरीन एक्वेरियम, यू कैन कीप इन नॉर्मल एक्वेरियम आल्सो, यू कैन कीप विद रीफ टैंक आल्सो, कोई इशू नहीं है, ओके। एंड द नेक्स्ट वैरायटी यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइप्स है, ब्लैक स्ट्राइप्स, थ्री स्ट्राइप डैम्सेल बोलते हैं इसको, ओके, थ्री स्ट्राइप डैम्सेल, ओके, 750 रुपीज, ओके। एंड येलो टैंक इसकी प्राइस है 5,500 रुपीज, ओके। मिथिलेश भाई प्राइस के बारे में अगर बात करेंगे तो प्राइस ये जो है बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर एक्सपेंसिव है, बट यार मैं देख रहा हूँ कि ये क्वालिटी आपके पास, ठीक है, सो द क्वालिटी इटसेल्फ इज स्पीकिंग, बिकॉज द रीज़न इज आई एम क्वारंटाइनिंग द फिशेस एंड नॉट, आई विल बी गिविंग ऑल द फीडिंग फिशेस विद फीडिंग कंडीशन, ओके। इफ यू वांट आई कैन शो यू द फीडिंग राइट नाउ, राइट, श्योर श्योर श्योर। हम पहले ये फूड प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग हिकारी का सी वीड एंड मरीनेस, ओके, and I will show you the feeding now, okay, and I want to tell the viewers that no seller shows feeding of fishes in the video, theek hai, to Mitlesh bhai is showing us ki wo feeding kaise karate hai, kaun sa food de rahe hai uske sath, kyunki koi bhi seller jo hai feeding nahi dikhate fishes ka, to aap iske upar aap andaaza laga sakte ho ki ye quality ke fishes hai and transparency hai puri, seller aapke sath disclose kar rahe hai price as well as inki feeding। एंड अगर मेरा भी जो सजेशन अगर रहेगा तो हिकारी जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर फिशेस कोई भी फिशेस की बात करें तो, और मरीन फिशेस में भी जो हमने प्रोडक्ट्स दिखाए आप वो यूज़ करते हो कर सकते हो। और द नेक्स्ट फिश भाई ओवर हियर, ये वाली, दिस वन इज सेम ब्लू फिन डैम्सेल, ब्लू फिन डैम्सेल, हाँ, तो 750 रुपीज़, ओके। नीचे वाले टैंक में हम जाएंगे, येलो टैंक है, ओके,
एंड कॉपर बैंड है ऊपर, ये कॉपर बैंड है, हाँ दिस वन इज कॉपर बैंड बटरफ्लाई। ओके, तो इसकी क्या प्राइस है? दिस वन विल कॉस्ट यू 2500 रुपीस, इट्स लार्ज साइज। लार्ज साइज, हाँ। ओके, एंड बॉडी पैटर्न काफ़ी अच्छा है इसके, येलो स्ट्राइप्स है, स्पॉट है पीछे, ओके गोल्डन स्ट्राइप्स है, ओके। एंड यहाँ पे दिस वन इज येलो टैंग अगेन, येलो टैंग, या ओके। तो ये मरीन फिशेस में जो है मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि आपने बताया कि ये गोल्डन कलर है, और ये जो है इनको जो है ब्राइट येलो कलर है, तो येलो कलर्स में जो है और ये बैकग्राउंड भी ब्लू है, इसके कारण जो है काफ़ी जी काफ़ी जो है ये उठ के कलर्स दिखते हैं मरीन फिशेस के। और इस फिश की बात करें तो किसके साथ इसको रख सकते हैं हम लोग? यू कैन कीप इन रीफ टैंक, मोस्टली पीपल बाय दिस कॉपर बैंड फॉर एप्टेसिया इशू, तो मरीन टैंक में कभी कभी एप्टेसिया आ जाते हैं, तो इसलिए पीपल प्रिफर टू बाय कॉपर बैंड बटरफ्लाई। ओके, हाँ, तो नाउ विल वॉच द फीडिंग ऑफ दीज फिशेस एज वेल। ये सिंकिंग पैलेट्स होते हैं भाई? हाँ, दिस ऑल आर सिंकिंग पैलेट्स। ओके, एंड यू कैन सी हाउ माय फिशेस आर ईटिंग। राइट, ये वाली फिश भाई खा नहीं रही है? कॉपर बैंड, नो कॉपर बैंड विल नेवर टेक पैलेट्स। ओके, उन लोग पैलेट्स नहीं खाते, उन लोग ब्राइन श्रिम्प्स खाते हैं फ्रोजन फूड में, या तो फिर नॉर्मली प्रॉन्स के टुकड़े होते चॉप करके देंगे तो खाएंगे वो लोग। ओके, भाई मैंने एक चीज अभी जस्ट देखी कि हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर रहे थे, तो विद इन सेकंड्स इन्होंने पूरा खाना खत्म कर दिया। हाँ, खाना खत्म कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे आगे जो है वी आर नॉट कमिंग बिकॉज़ वी आर शूटिंग, राइट, वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग फ्राइटेड, सो दे विल स्टार्ट फीडिंग। ओके ओके ओके, थोड़ा पीछे हो जाइए, देखो जी सी देखिए, या सो दिस दे वर गेटिंग स्कैर्ड बिकॉज़ द हायर फॉर द फिशेस, द रीजन इज बिकॉज़ You will get the quality over here. Right. So, and मेरा भाई हमेशा व्यूवर्स से कहना है कि कोई भी सेलर आपको चीप जो लो ग्रेड की जो फिशेस है वो हमेशा, कोई भी जो सेलर रहता है लो ग्रेड की फिश हमेशा जो है सस्ते में बेचेगा, पर हाई ग्रेड की फिशेस कोई भी सेलर आपको जो है लो प्राइस में नहीं दिखेगा। People who are looking for quality, they can connect. If you want to quality, if you want a quality in fish, then आपको जो है कोई भी सेलर कोई भी सेलर आपको जो है सस्ते में नहीं देगा, क्योंकि क्वालिटी जो हमेशा फिशेस की रहती है वो उसकी उसके हिसाब से प्राइस होती है। विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिश, यहाँ पे ये आल्सो वी आर हैविंग येलो टैंक। ओके, सेम टू पीसेस आर हियर, अगेन देयर इज अ हाइब्रिड टोमेटो प्रॉन विद येलो टैंक। ओके, इसको भी हम फीडिंग देख लेते हैं। ये टैंक काफ़ी बड़ी है। हाँ, टैंक बड़े है, 4 फीट लेंथ है एंड 2 फीट ब्रेथ है। ओके, एंड हाइट इज 18 इंचेस। ओके, आई विल स्टेप लिटिल बैकवर्ड सो दैट ये जो है घबराई नहीं जाए, नॉट स्ट्रेस। ओके, राइट, बिकॉज व्हेन आई वाज क्लोजर दे वर गेटिंग स्केर्ड एंड दैट्स व्हाई दे वरंट कमिंग फॉरवर्ड टू ईट। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये खा रहे हैं, ये पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने। ओके, एंड ये जो फिश फूड का जो है जो अरोमा भी है, जो स्मेल भी आता है, तो वो उससे ही पता चल जाता है कि फिश की जो फिश फूड की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। right. तो ऐसे क्वालिटी अगर हम फिशेस रखते हैं तो मेरा तो यही कहना रहेगा, तो उसके लिए जो है हम क्वालिटी का फिश फूड भी जो है प्रोवाइड करें इनको। राइट, यहाँ पे और भी येलो टैंक्स है, मिथिलेश भाई इनकी भी फीडिंग देख लेते हैं हम। ओके, ये पैलेट्स हम देख सकते हैं, सिंकिंग पैलेट्स हैं, और ये येलो टैंक जी, मेरे ख्याल से अगर काफ़ी सारे येलो टैंक्स होते तो वो बेस पे भी नहीं आ जाता, वो लोग जो है ऊपर से ही उसको पूरा ख़त्म कर देते। राइट, बिकॉज दे आर वेरी स्विफ्ट इन टेकिंग द पैलेट्स। यस,
So this was today's video about the marine fish varieties at MBDB fish store. अगर आपको इन फिशेस में इंटरेस्ट है तो आप मिथिलेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हो. इनका नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इफ़ यू लाइक दिस टुडेज वीडियो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.